तो गाइस यार, हमारी जो गाड़ियां होती हैं इनके अंदर हर मिनट के अंदर कई सारे पटाखे फूटते रहते हैं, और उन्हीं की वजह से जो गाड़ी है वो चलती है, और उनकी जो आवाज होती है वो भी सच में काफी लाउड होती है। लेकिन गाड़ी के अंदर ये जो साइलेंसर लगा होता है ये उस आवाज को काफी हद तक कंप्रेस कर देता है, इस वजह से हमें उतनी तेज आवाज सुनाई नहीं देती है। तो गाइस आइडिया सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर रियल वाले पटाखे, इन सभी पटाखों को तो नहीं लेकिन कुछ पटाखों को डालते हैं इसके साइलेंसर के अंदर, फिर लगाते हैं इनके अंदर आग, और फिर देखते हैं कि ये जो साइलेंसर है इन पटाखों की आवाज को भी कंप्रेस यानी कि दबा पाता है या फिर नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। राइट गाइस, तो यार मैंने सोचा था कि मतलब इसके अंदर कुछ पटाखे बचे होंगे, लेकिन जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सारे पटाखे थे वो फूट चुके, और गाइस यार जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं भी हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि जो आवाज़ है वो इसके अंदर कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, आवाज़ वैसी ही आई जैसी कि हमेशा आती है पटाखों के अंदर से। बाकी एक चीज़ देखने को मिली इसके अंदर से, जब वो पटाखे फूट रहे थे तो ऐसा लग रहा जैसा कि मतलब साइलेंसर के अंदर से ही बंदूक चल रही हो, बंदूक की गोली की तरह इफेक्ट हमें देखने को मिला। तो आज के लिए बस इतना ही, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।